एलसीडी में दिख रहा है ना, मोबाइल साइलेंट कर देना ना। कल कहाँ तक देखे थे? कल कहाँ तक देखे थे बताओगे यार, तब ना हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक कल देखे थे? सेब तक हो गया था ना, ये सेफ था बताइए। यहाँ तक हो गया था, आगे देखें तो सेब मैंने कंट्रोल ए से तो मालूम ही है। ठीक है, ओपन करने का जरा शॉर्टकट बटन बताना इसका, ओपन का भूल गए, न्यू का भी भूल ही गए होंगे। ओपन का है कंट्रोल ओ कंट्रोल एन, ओपन न्यू का का ए। है। चलो सेब तो समझ ही गए यहाँ पे। ठीक है, अब आता है सेब एज। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ टाइप किया, ठीक है, और यहाँ पे आके इस बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये सेव होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है तो थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, ये देखो आ गया डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पे फिर से मैं क्लिक करता हूँ और इस सेव एज वाले पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, फिर भी वही खुल रहा है, दोनों में अंतर क्या है भाई? अंतर होना चाहिए। तो पहला पहला बार, ठीक है, जैसे मैं डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया हूँ अपना, ठीक है, पहला बार ओपन किया और सेव पे क्लिक किया, फिर भी खुलता है सेव एज। ये देखो यहाँ पे खुला है ना सेव एज, और फिर या सेव एज पे क्लिक करूँ फिर भी क्या खुलेगा? सेव एज, मतलब पहला बार डॉक्यूमेंट सेव हो तो सेव पे क्लिक करें या सेव एज पे क्लिक करें, ठीक है, खुलेगा सेव एज ही, चलेगा सेव एज ही। ठीक है, तो पहला बार मैं कंट्रोल एस दबा देता हूँ। ठीक है, सेव पे क्लिक हो गया होगा इंटरनली और ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देता हूँ DOC 1। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ मैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, एंटर मार दिया, डेस्कटॉप कर देता हूँ सेव। ठीक है, सेव हो गया, सेविंग डॉक्यूमेंट हो जाए तो। अब नहीं, फॉर्मेट करके Windows 7 डाल दूँ क्या? मिनिमाइज करता हूँ मैं इसको। ठीक है, इधर कहीं आ गया होगा माय डॉक्यूमेंट वन। क्लोज मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे आया हुआ है, मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो माय DOC 1 आया है ना, इसको मैं थोड़ा किनारे लाता हूँ, इधर डबल क्लिक मारा। ठीक है, अभी खुलेगा। खुल गया डॉक्यूमेंट। अब मैं इसमें कुछ टाइप करता हूँ। ठीक है, ऐसे अब मुझे क्या करना चाहिए? सेव पे अगर मैं क्लिक, अगर सेव एज पे क्लिक करता हूँ तो फिर से डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा सेव एज का, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम मांगेगा। अगर जो पुराना जो नाम था मेरे डॉक्यूमेंट्स फाइल का, वही नाम दे करके अगर मैं सेव बटन पे क्लिक करूँ तो ये बोलेगा, कुछ बोला ही नहीं, रिप्लेस कर दिया। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, रिप्लेस मार दिया। अब मारा है या नहीं है तो खुलने के बाद सच पता चलेगा, सच में रिप्लेस मार दिया। ठीक है, और ये देख लो, ठीक है, सेव कर दूँ, पुराना फाइल रिप्लेस हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आऊँगा और सेव एज पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं नाम बदल दूँ, ठीक है, 1 के जगह पे 2 करके कर दूँ एंटर, तो क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स का पुराना जो कॉपी है वो रहेगा कंप्यूटर में, उसका नया कॉपी बना के तैयार कर देगा। जैसे
अभी मैं दूसरा नाम डाला था ना, तो एक कॉपी तो ये यहाँ पे बना दिया था, दूसरा एक कॉपी यहाँ पे बना दिया है, देख लो। ठीक है, इसको भी मैं किनारे लाता हूँ। ठीक है, अब दोनों में तो कोई अंतर होना नहीं चाहिए। ठीक है, इस पे डबल क्लिक किया तो इसमें जो कंटेंट लिखा था वही कंटेंट इसमें है। ठीक है, यहाँ पे नाम है DOC 1। ठीक है, DOC 2 है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैं ओपन करूँ तो DOC 1 वाला, ये देखो ये 1 है, दोनों में सेम है, लेकिन सेव एज पे जब हमने क्लिक किया तो क्या हुआ, डॉक्यूमेंट्स का कॉपी बना दिया। ठीक है, तो सेव और सेव एज में अंतर क्या, अंतर ये है कि अगर सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, मैं DOC 1 को ओपन कर लेता हूँ, सेव बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पुराना जो फाइल है उसी फाइल में कंटेंट को सेव कर देगा। ठीक है, जैसे मैं इसमें 3-4 लाइन टाइप कर दूँ, ठीक है, ऐसे कुछ भी। ठीक है, अब इस पे मैं क्लिक कर दिया, ये देखिए क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इसमें अगर मैं क्लिक करूँगा तो फाइल नया नाम से फाइल बना के नया फाइल नहीं सेव करेगा, पुराना जो फाइल था DOC 1 नाम से उसी फाइल में ये पूरा कंटेंट को सेव कर देगा, नया फाइल नहीं बनाएगा। ठीक है, क्लोज कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे है, ये देखिए। अब ये देखिए आ गया इसमें, लेकिन जो पुराना हमारा दूसरा फाइल है जो DOC 1 था इसमें कंटेंट एक लाइन है, क्योंकि एक ही लाइन हमने लिखा था। तो सेव और सेव एज में अंतर क्या, सेव पे अगर हम पहला बार अगर क्लिक करें, डॉक्यूमेंट को सेव करें या सेव एज करें पहला बार, तो सेव एज ही होता है, सेव पे क्लिक करें या सेव एज पे क्लिक करें। लेकिन दूसरा बार अगर हम क्लिक करेंगे, एक बार डॉक्यूमेंट को सेव कर लिए, दूसरा बार सेव करेंगे, ठीक है, तो अगर सिर्फ सेव करेंगे तो जो पुराना फाइल रहेगा उसमें कंटेंट जो है हम जो एडिट किए रहेंगे, जैसे 3-4 लाइन पिछले बार लिख के सेव किया, तो फाइल नया नहीं बनाएगा। ठीक है, लेकिन सेव एज पे क्लिक करेंगे तो नया फाइल बना के उसी कंटेंट को सेव कर देगा, लेकिन सेव के केस में नया फाइल नहीं बनाएगा, पुराने फाइल में ही सेव कर देगा। ठीक है, मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब फिर से मैं MS वर्ड खोल लेता हूँ। ये देखिए इसमें कुछ लिख लेता हूँ मैं, 2-4 लाइन कुछ भी लिख दिया। ठीक है, कंट्रोल एस दबाया मैं। ठीक है, अब सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुला। ठीक है, डी माई डी ओ सी माई डी ओ सी क्या मैं लिख दिया, ठीक है, ये लिखा और आ गया मैं डेस्कटॉप पे, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है, सेव कर दिया, ये सेव कर ले, ये देखिए आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें फिर से मैं कोई कंटेंट लिखता हूँ। ठीक है, फिर इसमें लिखता हूँ, फिर इसमें लिखता हूँ। ठीक, अब मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो क्या करूँ, क्या होगा, पुराना जो फाइल है ना माई डी ओ सी नाम से उसी फाइल में ये सारा कंटेंट जो है सेव हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो है सेव हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे मैं सेव एज करूँगा। ठीक है, सेव एज करूँगा तो क्या होगा, नया जो है फाइल बनाएगा। ठीक है, और इसमें नाम दूसरा दे देता हूँ मैं। ठीक है, नया नाम दे दिया, अब कर देता हूँ मैं सेव। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या होगा, दोनों में अब अंतर ये होगा कि जो पुराना हमारा फाइल था, ठीक है, जब हम ओपन किए थे माई डी ओ सी वन माई डी ओ सी फाइल था, उसमें सिर्फ 3 ही लाइन लिखे थे ना। ठीक है, तो उस फाइल में सिर्फ 3 ही लाइन होगा अभी भी, लेकिन जो हमने नया फाइल सेव एज कमांड से बनाया उसमें क्या होगा, पिछला जो डेटा था पुराने फाइल का जो 3 लाइन का कंटेंट था वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें 3 लाइन जो अलग से लिखे वो भी आ जाएगा। ठीक है, ये एक और अंतर है। ठीक है, क्लोज में कर देता हूँ। ठीक है, दोनों फाइल को ओपन करते हैं, ये है माई डी ओ सी, ये पुराना वाला फाइल है, इसमें क्लिक करेंगे तो 3 लाइन का कंटेंट देखिए है। ठीक है, लेकिन
नए वाले को ओपन करेंगे, माई डी ओ सी वन किधर हो गया, इसमें तो मुझे खोजने में ही टाइम लगेंगे। ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए नए फाइल में तीन तीन लाइन और जुड़ा हुआ है, ठीक। ये समझ में आ गया, क्लियर है दोनों में क्या अंतर है। अब इसमें मैंने कुछ लिखा, जैसे कोई दूसरा आदमी कोई डॉक्यूमेंट्स बना के तैयार किया है, ठीक है, कोई दूसरा आदमी डॉक्यूमेंट्स बना के तैयार किया है, उसमें से ये दो लाइन मुझे पसंद नहीं है, नहीं आया पसंद, या दो लाइन बदलना है, ठीक है, तो मैं इन दो लाइन को हटाऊंगा, ठीक है, और इसमें मैं कोई चेंजेस मार दूंगा, ठीक है, चेंजेस मार दूंगा जो भी लिखना होगा, ठीक है, और इसको मैं सेव नहीं करूंगा, ठीक है, इसको मैं कर दूंगा सेव एज, ठीक है। तो क्या होगा, जो दूसरे आदमी का जो बनाया हुआ डॉक्यूमेंट था वो तो वैसा ही रहेगा, बस जो मैं एडिट किया हूं ना, टू नाम से सेव कर दूंगा, एडिट किया हूं वो मेरा कॉपी अलग से सेव हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूं, ठीक है, जैसे ये वाला बनाया था, इस फाइल में कोई भी अफेक्ट नहीं आया है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा नया फाइल बना होगा उसमें अफेक्ट आया होगा। क्या आया होगा, मैं नाम लिख दिया था तो वो उसमें होगा। अब वो मिल जाए मुझे, वो फाइल किधर है, ये वाला है, ठीक है, इसको डबल क्लिक किया, ये देखिए, ये देखिए। तो पुराने रिकॉर्ड में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन नया जो फाइल मैं बनाना चाहा उसमें इतना चेंजेस हो गया, ठीक है। तो जैसे कोई पहले से बना बनाया कोई एप्लीकेशन वगैरह है या कोई भी दस्तावेज है, ठीक है, उसको ओपन करो, उसमें कुछ एडिटिंग करो और सेव एज कर दो, तो क्या होगा, पुराना फाइल तो जस का तस रहेगा, लेकिन नया फाइल आपका जो बना है वो आपका नया फाइल बन के आ जाएगा, पुराने फाइल में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि पुराने फाइल में ही चेंजेस हो जाए, नया फाइल ना बने, तो क्या करो, सेव कर लो खाली, ठीक है। सेव एज का शॉर्टकट की F12, ठीक, F12 में दबाऊंगा और ये सेव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सेव और सेव एज में अंतर क्लियर हो गया, सेव से नया फाइल नहीं बनता, सेव एज से नया फाइल बन जाता है, नया कॉपी बनाता है, ठीक है। और चाहते हैं कि नया कॉपी बनाए, पुराने फाइल में ना चेंजेस हो, तो सेव एज का यूज कर लेंगे, ठीक। तो सेव और सेव एज में अंतर क्लियर हो गया, आगे चलें। अब चलते हैं सेव में, मैं ले लाया यहाँ पे माउस, ठीक है, इसमें और भी चीजें खुल गया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, सबसे जो पहला है इसमें क्लिक करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये नॉर्मल रूप से जैसे सेव एज कमांड चलता है वैसा ही चलेगा और सेव होगा, ठीक है। फिर इसमें क्लिक करता हूँ, इसमें आता हूँ, ठीक है, अब ये वर्ड टेम्पलेट के रूप में सेव करेगा, ठीक है, ये टेम्पलेट के रूप में सेव कर लेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं आऊँगा, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये 97 और 2003 डॉक्यूमेंट्स लिखा है, इसका मतलब क्या, मतलब इसका ये है कि इसको मैं हटा दूँ, ये जो एमएस ऑफिस है ये 2007 वर्जन है, ठीक है, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक मिनट सर का फोन आ रहा है, रुकिएगा, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे 97 और 2003 लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब क्या, मतलब ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये एमएस वर्ड का जो पुराना वर्जन 2003 है, ठीक है, तो 7 में अगर सेव करेंगे, ठीक है, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 वर्ड 2007 में अगर सेव करते हैं, तो उसका एक्सटेंशन मतलब फॉर्मेट जिससे फाइल का पहचान होता है, ठीक है, वो क्या होगा, .docx, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिखाई दे रहा है, .docx ये रहता है, ठीक है। एमएस वर्ड 2007 में जो बनाते हैं आप, या 10 में बनाएंगे, 13 में बनाएंगे, बाकी में बनाएंगे, तो उसका जो है एक्सटेंशन होगा, फॉर्मेट होगा, वो होगा .docx, ठीक है,
लेकिन जो डॉक्यूमेंट 2003 में बनेगा, एमएस वर्ड 2003 में, उसका एक्सटेंशन होगा .doc। ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि 2003 में बनेगा जो, ठीक है, जैसे आप 2003 में सेव किए हैं उसका एक्सटेंशन होगा .doc। ठीक है, तो .doc वाला जो फाइल है वो तो 2007 में खुल जाएगा, ठीक है, लेकिन जो 2007 में बना है .docx एक्सटेंशन से, वो 2003 वाले में नहीं खुलता। ठीक है, जैसे मैं 2007 में सेव कर दिया अभी इसको, उसका फॉर्मेट हो गया .docx। ठीक है, जैसे फाइल में भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे है ना .docx, तो .docx से अगर हम सेव किए हैं, ठीक है, तब तो 2007 में खुलेगा या उससे हायर वर्जन में खुलेगा, लेकिन 2003 का जो एमएस वर्ड होगा उसमें ये फॉर्मेट का फाइल नहीं खुलेगा। ठीक है, अब नहीं खुलेगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस समस्या को सॉल्व करने के लिए ये वाला बनाया गया। ठीक है, ये वाला, अब इसमें जब आप सेव करेंगे तो क्या होगा, .doc फॉर्मेट में सेव करेगा, एक्स को हटा देता है ये। ठीक है, मतलब ये 2003 वाला फॉर्मेट में सेव करेगा। अब जब इसमें सेव करेगा तो आप इसको 2003 वाले में भी खोल सकते हैं। ठीक है, और 2003 में भी खुलेगा, 7 में भी खुलेगा, लेकिन 7 वाले में सेव करेंगे तो 3 वाले में नहीं खुलेगा, तो दिक्कत आ जाएगा। 3 वाला तो हर जगह खुल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको 2007 आप एमएस वर्ड आपके पास है, ठीक है, और आपके पड़ोस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके पास 3 वाला है, ठीक है, तो 7 वाले में सेव करके 3 वाले को देंगे तब तो वो काम नहीं कर पाएगा ना। तो इसीलिए 7 वाला एमएस वर्ड में 3 वाले के हिसाब से आप सेव कर दीजिए। ठीक है, 3 वाला में जैसा चलेगा, मतलब .doc वाला जो चलेगा वो आप अपने 7 वाले एमएस वर्ड से सेव कर दीजिए, तो फिर वो 3 में भी खुल जाएगा। ठीक है, इसमें डबल क्लिक में करूंगा तो ये खुल जाएगा। ठीक है, आगे चले। अब देखिए इसके बाद, ये देखिए कन्वर्ट के लिए बोल रहा है कि 2007 में ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, XML का सपोर्ट वगैरह दिया गया जो है इसमें 2007 में और उससे हायर वर्जन में, इसलिए X को जोड़ दिया एक्सटेंसिबल। ठीक है, खैर ये तो हमारे समझ का और समझने के लिए कोई मतलब नहीं है कि एक्सटेंसिबल का सपोर्ट दिया गया और क्या है इंटरनली कहानी, ये बता के मैं नहीं जानना कन्फ्यूज करना चाहता कॉम्प्लिकेशन वगैरह। ठीक है, उसके बाद सेव द डॉक्यूमेंट ओपन फॉर्मेट। ठीक है, चलिए ये भी हम दिखाइए देते हैं आपको, ये तो बहुत अच्छा पावर पॉइंट में समझ में आते हैं। वो गया कहाँ सेव होके, मेरे को खोजने में ही समय लग जाता है। इधर ये वाला है ना, ये देखिए हो गया है ये भी से। ठीक है, पर हम इसको कैंसिल कर देते हैं, मेरे को जरूरत नहीं है इसका। जो जरूरत का है वो अब बता देता हूँ, जरूरत का जो है ये है। ठीक है, PDF और XPS, मतलब PDF में करना चाहते हैं सेव या फिर XPS में। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, जैसे MS Word वाला फाइल है, इसको आप मोबाइल में डाल देंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, किस मोबाइल में खुलता नहीं, किसी में और कुछ आता है ऑफिस सूट और कुछ कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो कि MS Word को खोल देते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी उन्दी फॉन्ट है तो प्रॉब्लम वगैरह आ जाता है, ठीक ठाक दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि जो PDF वगैरह रहता है ना फाइल, जैसे आपने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, अब मैं इसको चाहता हूँ कि PDF फॉर्मेट में सेव कर दूँ, तो यहाँ पे सेव एज में आऊँगा और क्लिक कर दूँगा तो सेव हो जाएगा। लेकिन 2003 में ये फैसिलिटीज़ नहीं है, 2007 में ये फैसिलिटीज़ है लेकिन MS Word के साथ नहीं है। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, सेव एज PDF एंड XPS। ठीक है, ये जब आप सर्च करेंगे गूगल पे तो एक कुछ 1-2 MB का सॉफ्टवेयर आता है थर्ड पार्टी, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देंगे
तो फिर ये वाला ऑप्शन आपके कंप्यूटर में एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है वो सॉफ्टवेयर, इसलिए ये चल रहा है, इंस्टॉल नहीं होता तो नहीं चलता। अब इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये पीडीएफ बोल रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं क्लिक करूँगा ना तो ये पीडीएफ में बन जाएगा, दिखा देता हूँ मैं बना के। माई डी ओ सी सेव कर दिया। ठीक है, बोल रहा है पब्लिशिंग पीडीएफ, क्लिक करूँगा। अब मैं मिलेगा मेरे को तब ना यार, फाइल कहाँ चला गया। एक मिनट, में सेव कहाँ किया ये भी नहीं देखा। ये डॉक्यूमेंट में सेव कर दिया है। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट फोल्डर से ही दिखा देता हूँ आपको, जाऊँगा ये इसमें। डॉक्यूमेंट फोल्डर ये इधर पे कहाँ है, ये है डॉक्यूमेंट फोल्डर, इधर पे सेव हुआ था। ठीक है, ये देखिए माय डीओसी। अब खुल जाए तब ना, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है। ठीक है, आगे तब तक चलते हैं। सेव एज में आऊँगा, फिर इसे पे क्लिक करूँगा तो पीडीएफ के अलावा एक होता है एक्सपीएस। ठीक है, इसको कुछ लोग ऑफलाइन प्रिंटर भी बोल देते हैं। ये देखिए सेव हो गया पीडीएफ में। अब जो डॉक्यूमेंट पीडीएफ में सेव हुआ है वो एडिटिंग नहीं होगा। ठीक है, अब मेरा ये कहना गलत होगा कि वो एडिटिंग नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आ गए हैं और एडिटिंग वगैरह के लिए, तो एडिट हो जाता है, सब कुछ एडिट हो जाता है, कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कहना गलत है कि एडिटिंग नहीं होता, लेकिन नॉर्मली एडिटिंग ये फाइल नहीं होता। जैसे ऊपर मैं किया, अब इसमें मैं कुछ ये देखिए बटन वटन दबा रहा हूँ तो नहीं होगा। ठीक है, ये एडिटिंग वगैरह नहीं होता है जनरली। ठीक है, लेकिन एडिटिंग हो जाता है वो अलग बात है, उसको इग्नोर करते हैं अभी। ठीक है, तो ये पीडीएफ में सेव हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब XPS का क्या मतलब है? XPS जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का जो है। ठीक है, जैसे कि लाइट वाइट कट गया, ठीक है, तो प्रिंटिंग में जाते हैं और फिर XPS फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे PDF फॉर्मेट है वैसे ही XPS भी है, लेकिन ये मोबाइल वगैरह में नहीं चलता। अब फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि मोबाइल में नहीं चलता, मेरा ये कहना गलत होगा, कहे कि मोबाइल में भी ये चलिए जाएगा। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गया है तो XPS को भी ओपन करने का कुछ सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं थर्ड पार्टी। ठीक है, लेकिन जनरली ये नॉर्मल तौर पे नहीं चलता है। ठीक है, जितना जैसे PDF जितना पॉपुलर है, ठीक है, उस तरह से ये पॉपुलर नहीं है। अब XPS में मैं ओपन कर सेव कर दूँ इसको तो XPS में भी सेव हो जाएगा, एडिटिंग XPS भी नहीं होता। लेकिन फिर से मेरा ये कहना गलत होगा कि XPS एडिटिंग नहीं होता, XPS भी एडिटिंग हो जाते हैं, कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लगते हैं, लेकिन PDF को जितना आसान है एडिट करना उतना आसान XPS को नहीं है। ठीक है, और PDF इतना फैसिलिटीज वगैरह प्रोटेक्शन वगैरह जो है XPS में नहीं है। अब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, XPS वाला किधर गया, मैं किस गया होगा डॉक्यूमेंट फोल्डर में वो। ठीक है, मैं फिर से इसको खोलता हूँ। ये देखिए ये XPS है। इस पे मैं क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी ओपन होगा थोड़ी देर में। ठीक है,
अब फिर आगे और देखते हैं इसके आगे क्या है। एक है अदर फॉर्मेट, ठीक है। अदर फॉर्मेट में क्या है, इसमें क्लिक करेंगे तो ये लंबा चौड़ा इतना सारा ऑप्शन खुलेगा। चाहे तो आप इसको रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में भी ओपन कर खोल सेव कर सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट में भी, एक्सएमएल में भी, पर ये सब काम वाम का नहीं है, मैं इसमें नहीं जाके दिमाग नहीं खराब करना चाहता। यहाँ पे HTML या HTM, ठीक है। वेब पेजेस में चाहे तो इसको सेव कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे वेब पेज खुलता है ना इंटरनेट पे, उस तरह से ये ब्राउजर में ओपन होगा, वेब पेज में सेव हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, इन कंटेंट को हटा देता हूँ। चलते हैं अब आगे, ठीक है। अब आता है ये वाला तो हो गया, ठीक है। इसके बाद है एग्जिट, ठीक है। एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एग्जिट कर जाएगा एमएस वर्ड, ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स, कुछ तो था इसका शॉर्टकट्स, ऑल्ट प्लस F4 मार देंगे तो कैंसिल हो जाएगा ये स्पेशली एमएस, ठीक है। पूरा एप्लीकेशन को क्लोज करना है, ऑल्ट प्लस F4 मार दीजिए, ये पूरा एप्लीकेशन को क्लोज कर देगा, ठीक है। सिर्फ एमएस वर्ड भी नहीं, बाकी एप्लीकेशन भी क्लोज हो जाते हैं इससे अगर ओपन है तो, ठीक है। फिर उसके बाद है ये वर्ड ऑप्शन, ठीक है। इसमें कुछ एडवांस वर्ड का सेटिंग वगैरह है, ठीक है। जैसे ये ग्रीन कलर में अभी दिख रहा है, सिल्वर कर दूंगा तो सिल्वर दिखने लगेगा, ठीक है। ये देखिए बदल गया, ठीक है। मैं ब्लू कर देता हूँ, मुझे ब्लू ही पसंद है, ठीक है। यूजर का नेम वगैरह है, लैंग्वेज वगैरह का है। डिस्प्ले में जाएंगे तो ये कुछ टैब टैब दबाएंगे तो ये कैरेक्टर आएगा, स्पेस दबाएंगे तो ये कैरेक्टर आएगा, ठीक है। मैं टैब दिख स्पेस को दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी आप ट्राई करिएगा, ठीक है। ये देखिए स्पेस दबा रहा हूँ तो ऐसा वर्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एमएस वर्ड का कुछ एडवांस ऑप्शन है वगैरह, एडवांस ऑप्शन वगैरह है, ठीक है। स्पूफिंग, पैराग्राफ चेंज करेंगे माने इंटर मारेंगे तो ये वाला साइन आएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ एडवांस ऑप्शन है, लेकिन इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे एमएस वर्ड पढ़ने के बाद आखिरी, ठीक है। सेविंग वगैरह का है कि ऑटो सेव कब कब हो, ठीक है। जैसे लाइट कट कट जाता है, ठीक है, तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। इससे बेहतर है कि यहाँ पे ऑटो सेव ऑटो रिकवर, ऑटो सेव का इसमें ऑप्शन कर देंगे कि प्रत्येक एक एक मिनट में अपने आप जो है इंटरनली एमएस वर्ड जो है सेव करता जाए। अब प्रत्येक एक 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 मिनट में सेव करता रहेगा तो लाइट कट जाए भी जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि डिफॉल्ट रूप से फाइल फॉर्मेट क्या रहेगा, वो वाला है, ठीक है। मैं इसको छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ अभी भी, ठीक है। ये बाकी है, इसको हम देखेंगे लेकिन अभी नहीं, एमएस वर्ड के आखिरी में इसको देख लेंगे हम। वैसे देखना चाहो तो अपने से कुछ कुछ इसमें देखना, जो समझ में आएगा करना, नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग आखिरी में देख लेंगे, ठीक है। पहले फिर आते हैं प्रिंटिंग में। प्रिंटिंग का शॉर्टकट बटन क्या है, कंट्रोल प्लस पी, तो ये आ गया। कंट्रोल शिफ्ट F12 दबाएंगे फिर भी प्रिंट खुल जाएगा, ठीक। दो शॉर्टकट बटन हो गया इसका, कंट्रोल शिफ्ट F12 या फिर कंट्रोल प्लस पी, ठीक। अब प्रिंटिंग में जैसे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, यहाँ पे प्रिंटर का नाम आपको सिलेक्ट करना है। जैसे एक से ज़्यादा प्रिंटर आपके कंप्यूटर में लगे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा जो है प्रिंटर आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है भाई। कलर प्रिंटर भी लगा है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर भी लगा है, ठीक है। मेरे को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट से करना है, कलर से नहीं करना है, या फिर कलर से करना है, ब्लैक एंड व्हाइट से नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट से नहीं करना है, तो क्या, तो उसके लिए कई सारे यहाँ पे प्रिंटर शो करेंगे। जितना प्रिंटर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है वो सारा प्रिंटर शो करेगा, और जो जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट करना है वो प्रिंटर आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, राइट। यहाँ पे प्रिंटर का नाम आ जाएगा, ठीक। इसके बाद स्टेटस वगैरह शो कर रहा है, रेडी रहेगा तो रेडी शो कर देगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आते हैं पेज रेंज में, ठीक है। पेज रेंज में क्या है, जैसे आल पे अगर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो जितना पेज है एमएस ऑफिस में वो सारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। करंट पेज पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, जिस पन्ना पे हमारा कर्सर है, ठीक है, जैसे मैं कई सारा पेज बना लिया, 6 पेज आ गया, मेरा कर्सर 5 पेज पे है, ठीक है। गायब हो गया ना पेज ब्रेक वाला, वही हम गायब कर रहे थे अभी, जैसे पेज ब्रेक आया था ना, तो उसको मैं वही वर्ड ऑप्शन से ही गायब किया हूँ यहाँ से, ठीक है। वो तो देखिए मैं मार्क किया तो, ठीक है, प्रिंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। करंट पेज मतलब जिस पेज पे मेरा कर्सर है, दिखा एक तो ट्राई करते हैं, तो ट्राई करने के लिए मैं कर लेता हूँ इंसर्ट पेज नंबर, ठीक है, ताकि पता तो चले कौन सा नंबर प्रिंट हुआ है। ये देखिए हो गया पेज नंबर इंसर्ट, 5वां पेज नंबर पे मेरा कर्सर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ प्रिंट, इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कर दिया करंट पेज और कर दिया ओके। बाद में करूँगा, पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इस वाले प्रिंटर को, XPS डॉक्यूमेंट राइटर। प्रिंटर तो है नहीं कि मैं प्रिंट करके भी दिखा दूंगा, ठीक है, कर देता हूँ इसको ओके, ठीक है। अब ये सेव, जो प्रिंट करने के लिए जो मैं मांगा ऑर्डर किया हूँ वो जो है ये सेव करने के लिए पूछ रहा है। मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे PRINT प्रिंट नाम दे दिया इसको, ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लिया XPS में और प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब वो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट होके सेव कर देगा मेरा एम कंप्यूटर में ही, ठीक है। कहीं इसमें अब दिखाई दे मेरे को तब ना, सेलेक्ट तो मैं डेस्कटॉप पे किया था, हाँ प्रिंट ये फाइल है, ठीक है, इसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये फाइल खुल जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 5वां को पे मेरा कर्सर था तो 5वां पेज नंबर को देखिए प्रिंट कर दिया है, ठीक। आगे चलते हैं, फिर से प्रिंट, आल से आल होगा, करंट से करंट, समझ में आ गया, ठीक है। अब पेजेस, पेजेस से क्या मतलब है, मतलब यह है कि एक से ज्यादा पेजेस एक बार में प्रिंट करना है तब क्या, लेकिन पूरा पेज नहीं करना है तब यहाँ पे पेज नंबर डाल दो। जैसे मेरे को कौन कौन सा पेज प्रिंट करना है, 2, 3, 4 इतना पेज प्रिंट करना है, तो मैं कॉमा दूंगा, फिर कॉमा दूंगा और प्रिंट मार दूंगा, ठीक है, ओके पे क्लिक कर दूंगा मैं। प्रिंटर ये सेलेक्ट हुआ है, XPS में सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट, ठीक है, प्रिंट कर दिया, अब प्रिंट हो गया होगा, ये देखिए आ गया है, यहाँ पे 2 है, ये देखिए तीसरा पन्ना आया और ये आ गया चौथा पन्ना, ठीक। तो ना ही आखिरी वाला प्रिंट हुआ, ना ही पहला वाला हुआ, जो जो मैं डाला था वो प्रिंट हो गया, ये क्लियर है, इसमें दिक्कत नहीं होगा ना। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, पहला नंबर प्रिंट हो, दूसरा नंबर प्रिंट हो, उसके बाद सीधा चौथा नंबर प्रिंट हो, ठीक ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, चौथा प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं क्या चाहता हूँ, पहला प्रिंट हो, तीसरा प्रिंट हो, छठवां प्रिंट हो, कॉमा कॉमा दे के कर दूंगा, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा कैंसिल करता हूँ, ठीक है, इसको ढेर सारा मैं कर देता हूँ, 38 पन्ना अब आ गया, ठीक है। तो अब फिर से प्रिंट पे मैं आता हूँ, अब 38 पन्ना में मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर 5 से लेकर के 30 तक,
मेरे को प्रिंट करना है, तो क्या मैं 5 लिखूंगा, फिर 6 6 लिखूंगा, ऐसे ऐसे में तो पूरा दिन बीत जाएगा। तो क्या करूंगा, 5 कर दूंगा, ये कर दूंगा, फिर कर दूंगा 30। ठीक, अब इसके बाद अब फिर से मैं क्या चाह रहा हूँ कि अब 7वां नंबर प्रिंट हो, ठीक है, 7वां या फिर 37 नंबर मान लेता हूँ प्रिंट हो, या 38 नंबर प्रिंट हो मान लेता हूँ, कमा देता हूँ 36 नंबर, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि प्रिंट हो जाए तो 36 लिख दूंगा। ठीक है, तो पहला से 30 तक, 5 से 30 तक प्रिंट हो जाएगा, फिर 36 नंबर को प्रिंट कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया, करके देख लेते हैं एक बार। PRINT ये बोल रहा है रिप्लेस करने को, मैं रिप्लेस कर दूंगा लेकिन थोड़ी देर में करूंगा रिप्लेस। अब ज्यादा पढ़ना है तो थोड़ा और टाइम ले लिया। अब ये देखिए, 5वां है, ये देखिए 6वां 7वां आखिरी में देखते हैं कौन सा है, 36 नंबर आ गया। तो प्रिंटिंग में मुझे लगता है कि अब आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा ना। आगे चलें, कंट्रोल पी, ये देखिए पेजेस में क्लियर है। कॉमा से कब सेपरेट करेंगे, जब बारी एक एक पन्ना प्रिंट करना होगा, और माइनस का साइन से कब सेपरेट करेंगे, जब कंटिन्यू प्रिंट करना होगा, जैसे एक से लेकर के मेरे को 50 तक प्रिंट करना है तो इससे सेपरेट कर दूंगा। जैसे मुझे सिर्फ 20वां नंबर पेज को प्रिंट करना है, फिर 25वां प्रिंट करना है, फिर 30वां प्रिंट करना है, तो ऐसे कर दूंगा। अब मैं चाहता हूं कि सीधा मेरे को 50 से लेकर के 100 तक करना है, तो ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, अब उतना पन्ना है नहीं कि ये प्रिंट करके दिखाएगा। ठीक, आप करके देखना, प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। आगे चलें, चलो जी आगे चलते हैं, और क्या क्या है प्रिंटिंग में। एक हो गया पेजेस तक का। ठीक, अब चलते हैं कॉपी ऑफ नंबर में। ठीक है, कॉपी कितना कॉपी निकालना है। ठीक है, ये देखिए ऊपर करेंगे तो बढ़ेगा, नीचे करेंगे तो घटेगा। ठीक है, जैसे मैं ये चाहता हूं कि इसका पेज नंबर जो है 38, ठीक है 38 प्रिंट हो, लेकिन कितना कॉपी प्रिंट हो, 3 कॉपी। ठीक है, अब कर देता हूँ ओके। ठीक है, PRINT एंटर। अब प्रिंट कर दिया, ये वाला है 38 नंबर आ गया प्रिंट हो गया। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें तो पता नहीं चलेगा कॉपीज का, प्रिंटर होता तो मैं दिखा देता। ठीक है, तो यहाँ पे जो डालेंगे उतना नंबर ऑफ प्रिंट कर देगा। अब ऑप्शन आता है कलेक्ट का, कलेक्ट कलेक्ट जो कह लो, हमारा अंग्रेजी बहुत ज़्यादा बढ़िया है इसीलिए हमको समझ में नहीं आता। ठीक है, कलेक्ट से क्या मतलब है, तो ये देखो ये जो आइकन दिखाई दे रहा है, आप देखिए 1 2, फिर 2 2, 3 3, 1 1। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, फिर 1 2 3। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहा है प्रिंटिंग सिर्फ वैसा ही होगा। जैसे मान लीजिए कि 3 डॉक्यूमेंट है, 10वीं 12वीं आधार कार्ड। ठीक है, आपको 2 जगह पे देना है, एक आपको कॉलेज में दे देना है कॉलेज का डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है, और एक ठो कहीं इंस्टीट्यूट जैसे कंप्यूटर सेंटर में आपको दे देना है। ठीक है, तीसरा तहसील वहसील में कहीं जरूरत पड़ गया तो आपको दे देना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक नंबर जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको मान लीजिए कि वो 10वीं का मार्कशीट है, दूसरा नंबर का जो डॉक्यूमेंट है उसको मान लीजिए कि 12वीं का मार्कशीट है, और जो तीसरा नंबर का ये डॉक्यूमेंट 3 नंबर दिख रहा है, इसको मान लीजिए कि ये आधार कार्ड है। ठीक है, कितना कॉपी निकालना है, 2 कॉपी निकालना है। ठीक है, 2 कॉपी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो, यहाँ पे 2 ठो दिख रहा है ना, तो मान लीजिए 2 कॉपी है। ठीक है, अब मेरे को 2 जगहों पर देना है तो क्या करूंगा,
हमको देना क्या क्या है, एक जगह पे 10वीं 12वीं आधार कार्ड, फिर दूसरे जगह पे 10वीं 12वीं आधार कार्ड, मतलब एक एक कॉपी दोनों जगह पे दे देना है, ठीक है। तो अब कैसे मैं प्रिंट करूंगा, अगर कलेक्ट पे चेक करता हूँ और फिर प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा, पहले कॉपी में निकलेगा क्या, 10वीं 12वीं आधार कार्ड, ये एक सेट निकल गया। फिर दोबारा प्रिंट करना शुरू करेगा 10वीं 12वीं आधार कार्ड, ठीक है। तो ये एक सेट अलग निकल गया, फिर ये एक सेट जो है अलग निकल गया, राइट। आपको सेट नहीं करना पड़ा कि 10वीं 12वीं का एक जगह करो फिर 10वीं 12वीं का एक जगह, सेट नहीं करना पड़ा ना प्रिंट करने में, ठीक है। तो कलेक्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो हमें सेट नहीं करना पड़ेगा, सेट होकर के हमारा डॉक्यूमेंट्स निकल जाएगा प्रिंट होकर, ठीक है। लेकिन कलेक्ट पे अगर मैं क्लिक नहीं करूंगा तब क्या होगा, पहले दो कॉपी 10वीं का निकाला है, देखिए 10वीं और 10वीं का, फिर दूसरा 12वीं का दो कॉपी निकाल दिया, दूसरा नंबर डॉक्यूमेंट को, ये देखिए दो कॉपी निकला ना, फिर आधार कार्ड का निकालेगा, ठीक है। मतलब पहले दो कॉपी 10वीं को निकालेगा, फिर दो कॉपी 12वीं को निकालेगा, फिर दो कॉपी आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट्स को निकाल देगा, ठीक है। अब ऐसे निकालेगा तो क्या होगा, आपको सेट करना पड़ेगा अलग अलग कि एक कॉपी 10वीं का लूं, 12वीं का लूं, आधार कार्ड का लूं, फिर एक कॉपी 10वीं 12वीं आधार कार्ड का लूं, आपको सेट करना पड़ेगा ना ऐसे। लेकिन कलेक्ट पे आप अगर चेक करके अगर प्रिंट करेंगे तो आपको सेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक। कोई दिक्कत, स्केल लेटर वगैरह को देखेंगे जरूरत के हिसाब से, ऑप्शन वही ऑप्शन है जो मैं दिखाया था आपको आगे, ठीक है। यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे आप, यहाँ से पेज का रेंज सेलेक्ट करेंगे, कौन कौन सा पेज प्रिंट करना है, पूरा या करंट या फिर पेजेस, ठीक है। यहाँ पे कितना कॉपी प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट्स का वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितने कलेक्ट वाले में डॉक्यूमेंट सेट में निकलना चाहिए या ऐसे ही निकल जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए मुझे लगता है, नहीं आएगा। आगे चले देखते हैं अब प्रिंट, इसमें क्लिक आप करिए या फिर यहां पे आकर के इसमें क्लिक करिए, बात दोनों का बराबर है, शॉर्टकट की मैं बता ही दिया, ठीक है। अब यह है क्विक प्रिंट, ठीक है। क्विक प्रिंट का क्या मतलब है, क्विक प्रिंट का मतलब यह है कि मैं प्रिंटर पे क्लिक किया, अब मैं इसमें कुछ भी सेट नहीं किया हूं, जो सिलेक्टेड है प्रिंटर वही सिलेक्टेड रहेगा, ऑल में डिफॉल्ट रूप से सिलेक्टेड है, ये है कॉपी, एक कॉपी है ऐसा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग अपने आप जो सेटिंग है प्रिंट का बॉक्स में वही जो है हो जाएगा और फिर प्रिंट कर देगा, ठीक है। आपसे नहीं पूछेगा कि आप कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं, कितना कॉपी निकालना चाहते हैं, ठीक है। क्विक प्रिंट में क्लिक करेंगे सीधा तुरंत प्रिंट कर देगा, डायलॉग बॉक्स का डायलॉग बॉक्स नहीं खोल के पूछेगा नहीं आपसे कि कितना कॉपी निकालना चाहते हो, कौन सा पेज नंबर को प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंटर सेलेक्ट करो, कुछ नहीं पूछेगा, बाय डिफॉल्ट अपने आप जो सिलेक्टेड है वो कर देगा। ये देखिए मैं क्लिक किया तो XPS वाला फॉर्मेट सेलेक्ट है, ठीक है। तो ये जो है नाम दूंगा, सेव कर देगा, ठीक है, पूछेगा नहीं मेरे से, ठीक। तो ये क्विक प्रिंट भी आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब आता है प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका शॉर्टकट बटन है Ctrl+F2, ठीक। Ctrl+F2 दबाएंगे तो शॉर्ट के प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखा देगा, ठीक है। अब ये प्रिंट प्रीव्यू से क्या मतलब, मतलब ये है कि कई केस में ऐसा होता है कि हमारा जो है मार्जिन है वो कुछ कम दिखता है या कुछ ज्यादा दिखता है रियल टाइम में एमएस वर्ड में, लेकिन प्रिंट करते हैं तो मार्जिन कम है प्रिंट हो जाता है या ज्यादा प्रिंट हो जाता है। जैसे ये पेज नंबर है, ठीक है, पेज नंबर यहाँ पे हल्का धुंधला टाइप में दिख रहा है, लेकिन प्रिंट करेंगे तो एकदम एक क्लियर आएगा पेज नंबर, धुंधला नहीं आएगा ऐसा। कैसे मेरे को पता, प्रिंट प्रीव्यू में दिखा रहा है भाई। तो प्रिंट प्रीव्यू का काम क्या होता है कि प्रिंट करने से पहले पता लगा लेता है, बता देता है हमें ये कि प्रिंट आपका डॉक्यूमेंट कैसा होगा, ठीक है। बहुत केस में ऐसा होता है कि दिखता कुछ और टाइप से है, प्रिंट कुछ और होता है, मार्जिन हाशिया गटर वटर या फिर हेडर फुटर या फिर कलर वगैरह, ठीक है, कुछ और दिखता है, प्रिंट कुछ और होता है, ठीक है। तो प्रिंट करने से पहले ही अगर हमें पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा कैसा तो हम सही कर लेंगे, ठीक है। लेकिन प्रिंट अगर करिए देंगे तब तो पन्ना हमारा बर्बाद हो जाएगा ना, तो इसीलिए प्रिंट करने से पहले हम पता लगा लेते हैं कि प्रिंट होने के बाद दिखाई कैसा देगा,
तो ये प्रिंट प्रीव्यू कमांड से पॉसिबल होता है। ठीक, इसका आइकन यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब प्रिंट प्रीव्यू का जब डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन आते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंट प्रीव्यू देखे आप, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया प्रिंट प्रीव्यू, और फिर यहीं पे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहीं पे ऑप्शन है, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में वही खुलेगा एडवांस वाला ऑप्शन। ठीक है, अब ये मार्जिन है, ये तो पेज लेआउट मेरा मर्जी था बताने का। ठीक है, मार्जिन वगैरह ये देखिए कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं, मैं ये कर दिया तो मार्जिन ही देखिए थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, ऐसा करूँगा तो ये होगा, ये मार्जिन जो है कम ज़्यादा हो गया इधर से। यहाँ से भी पकड़ के खींच लेते हैं, बताया ही था मैं, यहाँ से भी आप पकड़ के मार्जिन अपने हिसाब से कर लें, कस्टम मार्जिन करेंगे तो यहाँ ऐसा आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको मैं पेज सेटअप में देखूँ बताऊँगा। ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पेज का साइज क्या होगा, पेज सेटअप में इन सबको मैं बताऊँगा, इसमें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इस वाले में बता दूंगा। ठीक है, पेज लेआउट में पूरा है। तो ये प्रिंट प्रीव्यू हो गया क्लियर, अब आगे देखते हैं कुछ काम का है। ये वाला तो मुझे काम का कुछ दिखता नहीं, पर एक दो ठो बता देता हूँ, जैसे प्रॉपर्टीज है। खुल ना भाई, खुल क्यों नहीं रहे हो? प्रॉपर्टीज मतलब क्या, इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ आप लिखना चाहते हैं वो है इसका प्रॉपर्टी। ऑथर कौन है, विंडोज यूजर। ठीक है, टाइटल ये क्यों बना रहे हैं, मैं बोल देता हूं ट्रेनिंग के पर्पस से। ठीक है, स्पेलिंग यही है कि गलत है, स्पेलिंग गलती होगा तो हमारा क्या बिगड़ेगा। ठीक है, यस ऑटो कंप्लीट। ठीक है, सब्जेक्ट किस विषय पे बनाया था इसको, तो ये विषय डाल दूंगा, कुछ कीवर्ड डाल दूंगा इसमें। ठीक है, इसके रिलेटेड। ठीक है, ये जो बना रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स वो किस कैटेगरी में आता है तो वो डाल दूंगा। ठीक है, तो कमेंट, डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ कमेंट करना चाह रहा हूँ, टिप्पणी करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टीज में आएगा। ठीक है, लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, जैसे कोई गाना हो, वीडियो हो, तो उसका प्रॉपर्टी आप देखते हैं ना, तो प्रॉपर्टी में आता है गाना का नाम आता है, आर्टिस्ट कौन है, गाया कब था, किस सन में गया था, वो गाने का फाइल साइज कितना है, ये सब दिखाई देता है ना, तो वैसे यहाँ पे भरने के लिए है, आप भर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट मैं नहीं बताया, ये सब काम का नहीं है, इसमें दिमाग खराब मैं नहीं करूँगा, इसीलिए मैं क्लिक भी नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, कमेंट वगैरह का वर्जन वगैरह पूरा ट्रैकिंग वगैरह करता है, बट आगे देखेंगे जरूरत पड़ेगा तो। देखिए यहाँ पे लिखा है चेक द डॉक्यूमेंट्स फॉर हिडन मेटा डेटा और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इंस्पेक्ट का मतलब ये है मेटा डेटा वगैरह जो हाइड है, जो इस डॉक्यूमेंट के बारे में वह जानकारी जो नॉर्मल यूजर नहीं देख सकता है, हाइड रहता है, तो उसको जो है देखने के लिए इंस्पेक्ट वगैरह डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके देख वगैरह लेते हैं, पर इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे आने का और यहाँ पे इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक कर दोगे तो ये बोल रहा है जी पासवर्ड बताओ, पासवर्ड SEMANT डाल दिया, मैं कर देता हूँ मैं ओके, SEMANT कर दिया मैं ओके, हो गया, डॉक्यूमेंट को मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं डेस्कटॉप में, और यहाँ पे PWD नाम से सेव कर देता हूँ मैं। ठीक, सेव हो गया डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस MS Word में पासवर्ड डला गया, मैं बनाया हूँ डॉक्यूमेंट, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई सीक्रेट डेटा देख ले। ठीक है, तो मैं इसको कर दूंगा क्लोज। ठीक है, अब PWD नाम से मैं सेव किया था, वो फाइल यहाँ पे आया है। ठीक है, अब इसमें मैं डबल क्लिक करके ओपन करूँगा, ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा तो पासवर्ड डालने का मतलब क्या हुआ, ओपन होना नहीं चाहिए था इसको, तो होगा नहीं है। ठीक है, ये देखिए पासवर्ड मांगना शुरू कर दिया, मैं गलत पासवर्ड डाल के एंटर करूँगा,
तो ये बोलेगा भाई साहब आप कौन है, हम आपको नहीं पहचानते, आप जाइए यहाँ से। ठीक है, फिर मैं कहूँगा कि अरे भाई मैं वही आदमी हूँ जो पासवर्ड डाला था। तो ये बोलेगा प्रमाण क्या है भाई इसका, ऐसे तो हर आदमी बोल देगा कि मैं वही हूँ, प्रमाण क्या है? तो प्रमाण देने के लिए मैं पासवर्ड डाल दूंगा, बोल दिया भैया अब हम पहचान गए आप वह हैं। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट मेरा खोल दिया। ठीक है, पासवर्ड वगैरह आपको एमएस वर्ड में लिख के रखना है, जैसे मैं लिख दिया पासवर्ड और यहाँ पे कुछ पासवर्ड डाल दूंगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको मैं सेव करके रख दूंगा इसमें। ठीक है, अभी हमारा पासवर्ड है, सीक्रेट है, कोई देख लेगा तो हमारा पता नहीं कहाँ कर देगा, बाजा बज जाएगा हमारा, हमारा गूगल का, जीमेल का, पता नहीं कहाँ कहाँ का पासवर्ड इसमें रखा हूँ, रखूंगा मैं तो देख लेगा आदमी, तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए हम इसको पासवर्ड डाल के छोड़ देंगे ताकि इसको भी कोई ना खोल सके। ठीक है, दिखा देंगे हम कि हमारा लिखा हुआ है भाई। ठीक है, चलिए, तो ये है पासवर्ड, इसमें मैं क्लिक करूंगा, फिर ये बोल रहा है पासवर्ड भराया हुआ आ गया, ओके कर दिया मैं। अब क्या हुआ, कुछ नहीं होगा क्या, पासवर्ड तो हमने डाल ही दिया है, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए ठीक, कर दिया मैं एंटर। अब क्या होगा दिखाता हूँ क्या होगा, यहाँ पे हाईलाइट था ना, अब गायब हो गया। अब हम इसको कर देंगे सेव। अब क्या होगा इससे, इसका मतलब ये है कि अब हमरे से ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा पासवर्ड क्या है। ठीक है, अब देखिए खुल गया सीधा, तो पासवर्ड ऐसे रिमूव किया जाता है। राइट, आगे चले। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर रंग कम छोड़िए, एक काम का नहीं है, जब काम आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, वैसे जरूरी नहीं है। ये सेंड है, इसका तो यूज लोग करते नहीं हैं, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कहीं भेजना है आपको डॉक्यूमेंट्स को, ईमेल में भेजना है तो ईमेल पे क्लिक कर दीजिए, तो माइक्रोसॉफ्ट का एक डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर आता है आउटलुक। ठीक है, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ईमेल वाले में, तो आपका जो डिफॉल्ट आउटलुक है उसको खोल देगा, अगर उसमें आपने लॉगिन करके रखा है तो उसमें अटैच कर देगा अपने आप इसको। ठीक है, ईमेल एज अ पीडीएफ अटैचमेंट, इसमें क्लिक करेंगे तो इसको पीडीएफ के रूप में अटैच कर देगा, इसमें क्लिक करेंगे तो वर्ड में अटैच रहेगा, इसमें क्लिक करेंगे तो एक्सपीएस के रूप में अटैच कर देगा, एफएक्स करने के लिए है, पब्लिशर है। ठीक है, इसको आप पब्लिश करना चाहते हैं ब्लॉग वगैरह के रूप में, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर वगैरह पे तो हो जाएगा, लेकिन कोई काम नहीं है, ब्लॉग बनाना है तो हम बना लेंगे इंटरनेट पे, हमको बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग आता है, क्या करेंगे एमएस वर्ड में आके। ठीक है, अब आखिरी में ये है क्लोज का बटन, इस पे क्लिक कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा। क्या क्लोज होगा, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स क्लोज होगा, एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है वाइवा में या एग्जाम में ऑप्शनल वगैरह में पूछ लिया जाता है कि हमें शॉर्टकट कीज आप बताइए जो कि सिर्फ एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट को क्लोज करता है, तो आप क्या बताएंगे, मैं फिर से कर लूं तब ना, Ctrl+W, Ctrl+W, इससे क्या होगा, Ctrl+W दबाएंगे तो जो है गायब हो जाएगा पूरा एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट है वो गायब हो जाएगा, एमएस वर्ड का एप्लीकेशन खुला ही रहेगा। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट बटन है Ctrl+W, और जैसे ये एप्लीकेशन को पूरा बंद करना है, ठीक है, तो Alt+F4 दबा लीजिए, ये हो जाएगा गायब। ठीक है, अब और देखते हैं कुछ है इसमें, अब तो ये तो सारा क्लियर हो गया, कहीं पे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए अब। ठीक है, अब मैं शॉर्टकट बटन इसमें जाने का क्या, ठीक है, आप ऑल्ट बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, आप पूरे डॉक्यूमेंट को कीबोर्ड से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन केस होगा जहाँ पे कीबोर्ड नहीं चलेगा, लेकिन कीबोर्ड से पूरा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे आना है किसे, शॉर्टकट बटन से, माउस का छूना नहीं है, क्या करूँगा, ऑल्ट दबाऊंगा, ऑल्ट दबाऊंगा तो ये सब देखिए वर्ड सॉर्टर आ गया ना, ये पूरा जहाँ पे मेरे को जाना है वो अक्षर दबा दूंगा। ठीक है, ऑल्ट दबाया, मेरे को इसमें आना है तो क्या दबा दूंगा, एफ,
यहाँ पे एफ लिखा है, ठीक है, एफ को दबा दिया, ए खुल गया। अब क्लोज वाले में मेरे को आना है, ठीक है, तो क्लोज वाला क्लिक कर देता, ठीक है, ऑल्ट एफ। अब सी पे क्लिक करूंगा तो क्लोज पे चला जाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए सेव के पास ए है, फिर उसके बाद इधर एफ लिखा हुआ है, ठीक है, एफ दबा दूंगा तो इधर वाला खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कीबोर्ड से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एफ दबाया, इधर वाला खुल गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, इधर वाला नहीं, मेरे को गलती से दबा गया था, मेरे को तो इस क्लोज वाले पे जाना है, तो एस्केप बटन दबाऊंगा तो फिर पीछे वाला एक्टिव हो गया। अब W पे क्लिक करूंगा, प्रिंट और W है ना किनारे, प्रिंट वाले में जो खुलता है उसमें जाऊंगा तो ये इसमें चला जाऊंगा, फिर एस्केप दबाऊंगा तो बैक हो जाऊंगा, अब C दबाऊंगा तो क्लोज हो जाएगा, हो गया क्लोज, ठीक है। तो ये है आपका एमएस वर्ड का, एमएस ऑफिस बटन में खुलने वाले कमांड, ठीक है। आगे चले यार, प्रैक्टिकल करना। चले और आगे प्रैक्टिकल करना है, ठीक है, आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। इसको यहीं से ख़त्म करते हैं। अगले दिन हम क्या पढ़ेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ, क्या पढ़ेंगे, बेसिक फॉर्मेटिंग वगैरह देख लेंगे कल, ठीक है, होम मेनू में ये सब जो है इन सब को पढ़ लेंगे, ठीक है। आज ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप पूछिएगा, प्रैक्टिकल कर लीजिए, ठीक, चलिए।